पे क्या हुआ था, ठीक है। उदित अरे स्क्रीन पे तो चला, स्क्रीन पे तो चला, स्क्रीन पे चला हो। नहीं, स्क्रीन पे चलाने की जरूरत नहीं है, आवाज आ रही है ना, क्लियर उनको आवाज आ रही है। अच्छा हाँ आवाज आ रही है। सो गाइस, एक मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है। पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आप सुन लेना। यहाँ पे रैम्बो और तीन बंदे अलग, तीन अलग बंदे, ठीक है, जो उसके पुराने क्लैन के मेंबर्स थे, ठीक है, वो लोग साथ में खेल रहे हैं। वो मेरे क्लैन में आया, उन्हीं लोग को गाली देके मेरे क्लैन में आया, ठीक है। उन्हीं लोग को गाली दे रहा था कि वो लोग स्ट्रीम स्नाइपर्स है, वो लोग ये है, वो लोग ये है, मतलब उन लोग को गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था माँ बहन की, और मेरे स्ट्रीम पे आया, ठीक है, सॉरी मेरे क्लैन में आया मेरे साथ खेलने के लिए, ओके। और यहाँ पे बंदे ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो अभी परसों जो टूर्नामेंट हुआ था बीबीजे का, ठीक है, जो परसों टूर्नामेंट हुआ था बीबीजे का, उसमें एक बंदा उसे पूछता है कि रैम्बो तो किसके साथ खेल रहा है। तो रैम्बो कहता है कि मैं मतलब मेरा फ्री में एंट्री हो गई है, मैं फ्री में खेल रहा हूँ। तो फिर एक बंदा कहता है अच्छा, तू डायनामो के साथ खेल रहा है इसलिए। तो वो कहता है हाँ, ठीक है। तो वो बंदा बोलता है कि तू कब तक उसको चलाएगा, मतलब कब तक डायनामो को यूज़ करेगा, ठीक है। तो वो ये बंदा कहता है कि जब तक है तब तक चलाऊंगा मैं। और फिर एक वो दूसरा बंदा उसे पूछता है कि अगर उससे ज़्यादा कोई अगर सपोज किसी और बंदे का चल गया चैनल तो क्या करेगा। तो रैम्बो कहता है कि मैं उसको छोड़ दूंगा और मैं दूसरे वाले को पकड़ लूंगा। मतलब एक तरीके से अपने अपने खुद के फायदे की बात चल रही है, ठीक है, अपने खुद के फायदे की, मतलब इसकी चाट के खत्म हुई तो उसकी उस दूसरे की चाटने चाटने की बात चालू, ठीक है। मैं आपको सुनाता हूँ, अच्छे से सुनना आप, पूरे मजे ले रहा था उसके तो देखा, पूरे मजे ले रहा है उसके, ओके। और रैम्बो कब तक चलेगा ये बताओ। देखो, इसने कहा पूरे मजे ले रहा है उसके, और रैम्बो कहता है तो फिर, मतलब तो ऐसा, ठीक है, देखो ये डायनामो के साथ जा रहा है ना। डायनामो के साथ जा रहा है। पूरे मजे ले रहा था उसके तो कब कब तक चलेगा ये बता। तक चलेगा, मैं ये वाली बिल्डिंग में जा रहा हूँ जब तक कोई उससे भी बड़ा नहीं आता। देखा रैम्बो क्या कहता है, जब तक कोई उससे और बड़ा नहीं आ जाता तब तक ये सब चीजें चलते रहेगी। मतलब ये सब जो मजे ले रहा है, ये सब जो अपने अपने फायदे की बातें जो कर रही है, जो अपने फायदे की बातें कर रहा है ये बंदा, ठीक है। इसने क्या बोला, अभी आपको वापस अच्छे से सुनाता हूँ, ले वापस रहा था सुनना। उसके तो कब तक चलेगा ये बता। कब तक चलेगा ये बंदा पूछ रहा है, ठीक है। मैं ये वाली बिल्डिंग में जा रहा हूँ जब तक कोई उससे भी बड़ा नहीं आता। जब तक उससे बड़ा नहीं आ जाता, और बाद में बंदा हंस रहा है। नाइस। सोच बाय चांस वीआईपी इतने में बहुत आगे निकल गया तो क्या होगा। क्या वीआईपी इतने में इतना बहुत आगे निकल गया तो वहीं पे चला जाऊंगा। देखा, अब ये बंदा कहता है कोई और बंदा अगर उससे आगे चले जाएगा, मतलब जैसे मेरा चैनल अभी चल रहा है, अभी आप लोग की दुआ से, आप लोग के सपोर्ट से अपना चैनल काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये बंदा उससे पूछता है अगर बाय चांस कोई एक थर्ड पर्सन मेरे से आगे निकल जाएगा तब तू क्या करेगा। तो ये बंदा क्या कर रहा है आप सुन लो। सोच बाई चांस वीआईपी इतने में बहुत आगे निकल गया तो क्या होगा। क्या वीआईपी इतने में इतना बहुत आगे निकल गया तो वहीं पे चला जाऊंगा किस पे। वीआईपी पे देखा, ये कह रहा है कि मैं वहां चला जाऊंगा। तो बंदा वापस पूछता है किस में, तो बंदा फिर से कहता है उस बंदे का नाम ले रहा है कि मैं वहां चला जाऊंगा। सुन लो गाइस, लेगा तो इसके लिए मैं शुरुआत है चैट ये नहीं सब कुछ करता, अभी करने के सुन बाद। लो। क्या इसको मैं पूछ रहा हूँ कि कब तक डायनामो के मजे लेगा। वापस से पूछता है कब तक डायनामो के मजे लेगा। बोलता है जब तक उसे बड़ा नहीं आता। देख रहा है, इसने बंदे ने वापस पूरा समझा दिया, देखो वापस सुनना अच्छे से। अच्छा लगता है लेगा तो शुरुआत में ये सब कुछ करने के बाद। क्या इसको मैं पूछ रहा हूँ कि कब तक डायनामो के मजे लेगा। बोलता है जब तक उसे बड़ा नहीं आता। मैंने देख बोला कि वीआईपी आगे निकल गया तो बोलते क्या करेगा, तो वीआईपी के पास आ जाऊंगा। रहा है, पूरा इसने पूरा बता दिया कब तक डायनामो के मजे लेगा। तो रैम्बो कहता है जब तक उससे कोई बड़ा नहीं आता, और फिर ये बंदा कहता है कि कोई थर्ड पर्सन जो है अगर वो उससे आगे निकल गया तो रैम्बो कहता है कि मैं उसके पास चला जाऊंगा। फिर लोल मतलब वीआईपी लेगा तो जो सकता है। देख रहा है, तो गाइस ये सीन है, कमीना इंसान है साले बहुत। देख वो खुद कह रहा है कि तू कितना बड़ा कमीना इंसान है, ये खुद बंदा कह रहा है रैम्बो वीडियो को। में भी बता मुझे काम लाता है स्किलफुल कस्टमर। ये बंदा खुद उसे कह रहा है कि तू कितना बड़ा कमीना इंसान है, ठीक है। तो गाइस ये सीन है, ठीक है। मैं इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, ठीक है, इस बंदे के बारे में, रैम्बो के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं उसको अपना भाई समझ के उसको मैंने क्लैन में ली, मैंने मेरे क्लैन में लिया, अच्छे से खेला। उस बंदे का चैनल सिर्फ मेरे ख्याल से 100-150 या 200 सब्सक्राइबर्स का होगा आई थिंक। उस बंदे के चैनल में मैंने रेड मरवाई, गरीब ने रेड मारी, हम सब ने रेड मारी। उस बंदे का चैनल हम लोगों ने 4,000 रुपये लगे खड़ा कर दिया, ठीक है। तो और वो बंदा बाद में जाके अपने ही पुराने क्लाइंट के साथ जो उनको गाली दे के हमारे पास आया है, उन्हीं के साथ जाके खेल के मेरे बारे में बुराई कर रहा है, मेरे बारे में चूतिया हरकतें फैला रहा है कि यार मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और जब तक कि इससे बड़ा नहीं आएगा तब तक कि मैं इसको यूज़ करूंगा और आगे चल के मैं दूसरे को यूज़ करने स्टार्ट कर दूंगा, ऐसे ऐसी बातें कर रहा है। तो भाई अब ये जब मैंने पता, ये 10 दिन पहले की बात है, हाँ ये बातें हुई है 16 अक्टूबर को ही है, और आज तारीख, और मैंने जब ये मेरे को जब पता पड़ा तब तारीख थी 25 अक्टूबर, मतलब 10 दिन से ये बातें चल रही है। और ये बंदा बेशर्मों की तरह 10 दिन से मेरे ही क्लैन में खेल रहा है और मेरी ही मतलब बैंड बजा रहा है। मैंने आपको बोला था ना यार, जिसको भाई माना उसी ने पीठ में खंजर घोप दिया,
तो ये वाली बात थी, ऐसा है ठीक है। सो गाइस ये पूरा सीन था, और भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के बाद उसका नाम कोई नहीं लेगा मेरे चैट पे, मैं सीधा बैन मारूंगा ये वर्ड रैम्बो करके, और अगर आप में से कोई भी ये वर्ड मेरे चैट पे लेगा तो आपका चैट से डिलीट हो जाएगा और आपको सिर्फ टाइम आउट मिलेगा 300 सेकंड का। आप वापस लिखोगे आपको टाइम आउट मिलेगा सिर्फ 10 मिनट का। भाई आप लोग के ऊपर है, आपको क्या करना आपको नहीं करना, आपको उसको सपोर्ट करना आप जा सकते हो बिंदास, मुझे कोई मतलब नहीं भाई, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मेरा काम था एक इंसान को भाई समझ के उसका चैनल ग्रो करवाना, उसको हेल्प करना अच्छे से, गेम प्ले उसका जो भी गेम प्ले मैं उसको अच्छे से लीड करता था, एक अच्छे से जो क्लैन लीडर करता है मैं क्लैन लीडर समझ के उसको लीड करता था, अच्छे से क्लैन चला रहा था और हम काफ़ी अच्छा कर रहे थे। ये इतना बड़ा इतना गंदा सेल्फिश निकलेगा ये बंदा, इतना इतना यूज़ करेगा और ऐसी बातें करेगा, मैं बिल्कुल सपने भी सोच नहीं सकता था यार। तो भाई ये सब चीज़ें हैं और अब मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता ठीक है। सो गाइस अब से कभी भी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिंपल सी बात।